वेलकम गाइस, ये मूवी तीन मेन करेक्टर्स पे बेस्ड है जिनकी स्टोरीज हम इस मूवी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। जहां स्टोरी वन की शुरुआत में हमें यूएस कनाडा का बॉर्डर दिखाया जाता है, जहां सेड्रिक नाम का लड़का सीक्रेटली बॉर्डर पार कर रहा था, पर तभी यहां पर कैनेडियन पुलिस आ जाती है, जिन्हें देखकर सेड्रिक की अच्छे से चटक जाती है, क्योंकि वो असल में एक ड्रग रनर है जो कि बॉर्डर के पार ड्रग्स को स्मगल करता था। तो पुलिस को देखकर वो भागना चालू कर देता है, मगर फिर भी पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हो जाती है। और इस अरेस्ट के दौरान पुलिस को सेड्रिक के पास काफी सारी फेंटनिल पिल मिल जाती हैं, जिन्हें ये बंदा स्मगल कर रहा था। जिसके बाद हमें डेट्रॉइट में आर्मेनियन गैंग का बेस दिखाया जाता है, जहां पर गैंग के हाई लेवल्स की मीटिंग चल रही थी, जो कि सेड्रिक के अरेस्ट से काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वो बंदा ड्रग्स इन्हीं को सप्लाई करने वाला था। मगर अब सेड्रिक के अरेस्ट होने से इन्हें टेंशन होने लगी है, क्योंकि अगर सेड्रिक ने अपना मुंह खोल दिया तो काफी लोग बर्बाद हो सकते हैं, जिस वजह से माफिया का बॉस मिनास सेड्रिक को जेल में ही मारना चाहता है। वैसे यहाँ पर जेक कैली नाम का बंदा भी मौजूद था, जो कि इनफैक्ट एक डीए एजेंट है, जो इन लोगों के बीच एज अंडरकवर काम कर रहा है। ऑब्वियसली वो आर्मेनियन गैंग को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, मगर ये काम इतना भी आसान नहीं था। जिसके बाद जेक अपनी सुपीरियर को मिशन रिपोर्ट देने चला जाता है, जो उसकी प्रोग्रेस को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो लेडी जेक को अल्टीमेटम दे देती है कि तुम्हें कोई तो रिजल्ट्स दिखाने होंगे, वरना हम तुम्हारे अंडरकवर मिशन को खत्म कर देंगे। जिस बात पर जैक बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसकी एक साल की मेहनत बर्बाद होने वाली है, साथ ही वो हार नहीं मानना चाहता। तो वो आर्मेनियन और कैनेडियन गैंग्स को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाने लगता है, जिसके तहत वो इन दोनों गैंग्स के बीच एक डील करवाने वाला है, जिसको फाइनलाइज करने के लिए दोनों गैंग्स के बॉस वहां पर शामिल होंगे। तब उनका डीए डिपार्टमेंट इन दोनों गैंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसके लिए जैक मॉन्ट्रियल चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात मदर नाम के आदमी से हो जाती है, जो कि कनाडा का बिगेस्ट कार्टल चलाता था। तो हमें यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि जैक ने आर्मेनियन गैंग के साथ साथ कैनेडियन गैंग को भी इन्फिल्ट्रेट कर रखा है, जो अब इन दोनों गैंग के बीच का लिंक बन चुका है, ताकि ये लोग एक दूसरे से ड्रग डील्स कर सकें। मगर अब मदर को जेक और आर्मेनियंस पर भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि लास्ट डील को पूरा करने के लिए सेड्रिक फेंटनिल डिलीवर करने जा रहा था, जिसे बॉर्डर पेट्रोल ने अरेस्ट कर लिया था, मगर उस जगह पर तो कभी भी चेकिंग नहीं होती, यानी किसी ने ड्रग स्मगलिंग की रिपोर्ट पुलिस तक पहुंचाई होगी। यानी मदर के गैंग में कोई तो ट्रेटर है, जिसने सेड्रिक का ट्रेवल रूट पुलिस को लीक कर दिया था। तो अगले डील से पहले मदर फुली इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, जिस बात पर जेक बिल्कुल भी खुश नहीं था। जिसके बाद स्टोरी 2 चालू हो जाती है, जहां पर हमें क्लेयर नाम की लेडी दिखाई जाती है, जो कि आर्किटेक्ट होने के साथ साथ एक 16 साल के बच्चे की माँ भी है। तो अपने बेटे के खातिर क्लेयर काफी स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे को अच्छी लाइफ देना चाहती है। मगर एक रोज क्लेयर का बेटा डेविड घर लौटकर नहीं आता, तो उसे टेंशन होने लगती है, जिसे ढूंढने के लिए वो बाहर जाने लगती है। पर तभी यहाँ पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं, जो बेचारी क्लेयर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपका बेटा डेविड एक एक्सीडेंट में मारा गया है, जिसे सुनकर लेडी पूरी तरह से टूट जाती है। मगर फिर भी क्लेयर लास्ट बार अपने बेटे की डेड बॉडी देखना चाहती थी, जिसके लिए वो मॉर्ग चली जाती है। तो अपने बेटे की डेड बॉडी देखकर क्लेयर बहुत ज्यादा दुखी थी। तो इस केस का इन्वेस्टिगेटर उसे क्लियर कर देता है कि आपके बेटे की मौत ड्रग ओवरडोज से हुई है। तो ये बात जानकर लेडी काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि उसका बेटा डेविड ड्रग्स लेता ही नहीं था। तो उसे इस मैटर पर शक होने लगता है, एंड सरप्राइजिंगली ऑफिसर लेडी को क्लियर कर देता है कि हमारा डिपार्टमेंट इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करने वाला है, क्योंकि हम इस केस को एक्सीडेंटल डेथ करार करके क्लोज करने वाले हैं। जिस पर लेडी पूरी तरह से भड़क जाती है, क्योंकि पुलिस वाले उसके बेटे की डेथ को इन्वेस्टिगेट करना ही नहीं चाहते।
जिस पर ऑफिसर क्लियर कर देता है कि पिछले एक महीने के अंदर अंदर 30 से भी ज्यादा लोग ड्रग ओवरडोज से मारे गए, तो हम हर केस को मर्डर की तरह इन्वेस्टिगेट तो नहीं कर सकते। जिस बात पर लेडी काफी ज्यादा दुखी थी, जो अपने बच्चे का सामान लेकर यहाँ से निकल जाती है, मगर उसे अब यकीन हो चुका है कि उसके बेटे की डेथ नॉर्मल नहीं थी। जिसके बाद स्टोरी 3 चालू हो जाती है, जहां पर हमें नॉर्थलाइट फार्मास्यूटिकल्स का मीटिंग प्लेस दिखाया जाता है, जहां कंपनी का सीनियर बोर्ड मेंबर प्रेजेंटेशन दे रहा था, जिसके हिसाब से कंपनी न्यू टाइप का पेन किलर रिलीज करने वाली है, जो कि मार्केट में मौजूद पेन किलर्स की तरह एडिक्टिव नहीं था। तो ये जानकर बाकी बोर्ड मेंबर्स काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि अब उनकी कंपनी आसमान छूने वाली है। तो बोर्ड मेंबर बिल डॉक्टर टिरोन को कॉल कर देता है कि उन्हें अपनी रिसर्च को जल्दी से पूरा करना होगा, क्योंकि अब कंपनी पेन किलर को रिलीज करने के लिए ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकती। वेल, डॉक्टर टिरोन एवरेथ यूनिवर्सिटी के रिसर्च साइंटिस्ट हैं, जिन्हें नॉर्थलाइट ने हायर किया था ताकि डॉक्टर इनके पेन किलर कैलरॉन की स्टडी को वेरीफाई कर सकें। मगर डॉक्टर अभी भी कुछ टेस्ट करना चाहते थे, जिस बात पर बोर्ड मेंबर बिल बिल्कुल भी खुश नहीं था। और फिर एक दिन जब डॉक्टर अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहे थे, तब उन्हें अपनी असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, जिस वजह से डॉक्टर को रिसर्च लैब जाना पड़ता है। तो असिस्टेंट रीवा उसे क्लियर कर देती है कि कैलरॉन ड्रग की टेस्टिंग में गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कैलरॉन ड्रग एडिक्टिव नहीं है, मगर असल में इसका उल्टा है, क्योंकि लास्ट टेस्ट के हिसाब से अगर कोई आदमी 7 दिन कैलरॉन का डोज लेता रहे तो वह इस ड्रग पर डिपेंडेंट हो जाएगा, यानी ये ड्रग मार्केट में मौजूद ड्रग से 3 गुना ज्यादा एडिक्टिव है। और अगर कोई 7 दिन के बाद इसे बंद करना चाहे तो वह चाहकर भी कैलरॉन का डोज लेने से अपने आप को रोक नहीं पाएगा, यानी कैलरॉन पब्लिक हेल्थ की क्राइसिस पैदा कर सकता है, जो कि टोबैको के बाद सेकंड बिगेस्ट क्राइसिस होने वाली है। तो ये जानकर डॉक्टर भी सीरियस हो जाता है, जो अपनी रिसर्च को एक्सटेंड करने का प्लान कर लेता है। मगर टिरोन का ये फैसला नॉर्थलाइट को पसंद नहीं आता, जहां कंपनी की सीईओ मैग बिल से कह देती है कि तुम्हें कैसे भी करके कैलरॉन को रिलीज करवाना होगा, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। जिस बात पर बिल भी सीरियस हो जाता है, तो अगले दिन बिल टिरोन की लैब चला जाता है, जहां वो टिरोन को नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट देते हुए कह देता है कि अगर तुम और तुम्हारे असिस्टेंट इस एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं, तो हमारी कंपनी तुम्हें $800,000 देने के लिए तैयार है। तो ये जानकर टिरोन काफी ज्यादा खुश था, मगर फिर भी वो एग्रीमेंट पढ़ने के लिए 1 दिन का समय मांग लेता है। जिसके बाद हमें स्टोरी 1 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मदर को पता चल जाता है कि एक करप्ट कॉप एक लिस्ट बेचने वाला है, जिसमें 200 से भी ज्यादा इन्फॉर्मर्स के नाम शामिल हैं, जिन्हें पुलिस ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में खरीद कर इन्फॉर्मर बनाया हुआ है। तो वो इस लिस्ट को खरीदने के लिए जैक और अपने सेकंड हैंड कमांड गाय को भेज देता है, ताकि वो इस लिस्ट को हासिल करके अपने ग्रुप के इन्फॉर्मर का पता लगा सके। जल्द ही ये लोग डील वाली लोकेशन पर पहुंच जाते, मगर वो करप्ट ऑफिसर अब तक मर चुका था, किसी ने इसे टपका कर लिस्ट चुरा ली थी। तो ये देखकर जैक और गाय बिल्कुल भी खुश नहीं थे, मगर जो भी हो, जैक एक अंडरकवर एजेंट है, जो कि कैनेडियन और आर्मेनियन गैंग को खत्म करना चाहता है। तो मदर के सेकंड इन कमांड को लालच देने लगता है कि आर्मेनियन लगभग 3 मिलियन की फेंटनिल पिल खरीदना चाहते हैं, जो कि काफी बड़ी डील हो सकती है, और अगर ये डील पुल ऑफ हो जाए तो हम लोग मालामाल हो जाएंगे। जिस पर गाय सोच विचार करने लगता है, क्योंकि इस डील के लिए मदर को मनाने का काम उसे मिलने वाला है। वहीं स्टोरीलाइन 2 में क्लेयर अपनी बेटी की डेथ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर कर लेती है, जो लेडी को कंफर्म कर देता है कि आपके बेटे की डेथ एक्सीडेंटल नहीं थी, बल्कि उसका तो खून किया गया था, क्योंकि डेविड के सर पर चोट के निशान है, जिससे क्लियर हो जाता है कि किसी ने डेविड को बेहोश करके उसे फोर्सफुली ड्रग्स दिया था, जिसके ओवरडोज से डेविड मारा गया था। तो ये जानकर लेडी बहुत दुखी थी। तो लेडी डेविड के फोन को चेक करने लगती है, जहां से उसे साइमन नाम के लड़के का पता चल जाता है। तो लड़की साइमन को ढूंढते हुए एक क्लब तक पहुंच जाती है, जहां वो साइमन को डरा धमका कर सारा सच उगलवा लेती है। तो लेडी को पता चल जाता है कि डेविड का बेस्ट फ्रेंड सेड्रिक एक ड्रग
रनर था जो कनाडा और यूएस बॉर्डर पर ड्रग स्मगल करता था। साथ ही लेडी को क्लियर हो जाता है कि डेविड की मौत का सेड्रिक से कोई कनेक्शन है। साथ ही उसे साइमन से पता चल जाता है कि सेड्रिक के बॉस का नाम मदर है जो कि मॉन्ट्रियल में कार्टल चलाता है। तो ये बात जानकर लेडी काफी ज्यादा शॉक थी क्योंकि उसे क्लियर हो चुका था कि डेविड ने भी सेड्रिक की तरह एक बार ड्रग्स को स्मगल किया था। जिसके बाद लेडी घर लौटकर सेड्रिक के बारे में रिसर्च करने लगती है जहां से उसे पता चल जाता है कि हाल ही में सेड्रिक को कैनेडियन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है जिसे अब मॉन्ट्रियल की जेल में रखा गया है। तो लेडी मॉन्ट्रियल जाने का डिसाइड कर लेती है। वहीं स्टोरी 3 में टिरोन एग्रीमेंट पढ़कर साइन करना नहीं चाहता क्योंकि नॉर्थ लाइट बेसिकली उसकी फ्रीडम को छीन रही है। तो यूनिवर्सिटी का डीन जेफ उस पर प्रेशर बनाने लगता है कि नॉर्थलाइट यूनिवर्सिटी की मेजर डोनर है जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी को ठीक से चलाया जा रहा है ताकि हम बच्चों को एजुकेशन दे सकें। तो टेरोन तुम्हें ये बात समझनी होगी कि अगर तुमने कोई भी टूचियापा किया तो नॉर्थलाइट अपनी सभी ग्रांट्स और डोनेशंस को वापस कर लेगी जिससे यूनिवर्सिटी को काफी नुकसान होने वाला है। जिस पर डॉक्टर टेरोन भी पूरी तरह से भड़क जाते हैं क्योंकि कैलरॉन का सच जानने के बाद भी जेफ उसे प्रेशराइज कर रहा है मगर इस बात पर जेफ ध्यान नहीं देता बल्कि वो तो टेरोन को क्लियर कर देता है कि तुम्हें एग्रीमेंट पर साइन करने ही होंगे और बेहतर होगा तुम अपना मुंह बंद रखो। मगर इतना होने के बाद भी टेरोन साइन नहीं करता तो नॉर्थ लाइट डर्टी प्ले करने लगती है जो टेरोन को डिफेम करने लगती है कि डॉक्टर टेरोन प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है यानी उनकी रिसर्च के रिजल्ट्स को सीरियसली लिया नहीं जा सकता। तो ये बात जानकर टेरोन काफी ज्यादा गुस्सा था मगर डीन जेफ उसे अल्टीमेटम दे देता है कि आप कैलरॉन के बारे में किसी से भी डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने से आप पर क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं जो बात टेरोन को हजम नहीं होती। तो वो FDA डिपार्टमेंट को सीक्रेटली कॉन्टेक्ट करने लगता है जिससे मिलने के लिए FDA का एजेंट पेन आ जाता है जो सारा माजरा जानने के बाद क्लियर कर देता है कि आप 8 साल से नॉट लाइट के लिए काम कर रहे हैं जहां आप पैसों के बदले उनकी सभी रिसर्च को अप्रूव कर देते थे मगर इस बार आप उनकी रिसर्च को अप्रूव करना नहीं चाहते जो बात आपको और आपकी फैमिली को खतरे में डाल सकती है क्योंकि नॉट लाइट दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो जरा सी देर में आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये सुनकर डॉक्टर टेरोन की सनक जाती है कि येड़ा उसकी मदद करने के बजाय नॉट लाइट की तारीफ कर रहा है मगर इन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस मीटिंग के बारे में नॉट लाइट को पता चल चुका था जिनका एक आदमी इस मीटिंग की फोटो ले लेता है जो फोटो कंपनी के मालिकों के पास पहुंच जाती है। साथ ही उन्हें क्लियर हो जाता है कि टेरोन सीक्रेटली FDA डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर रहा है जो उनके कैलरॉन की रिलीज में टांग अड़ा सकते हैं। तो लोग टेरोन को बर्बाद करने का काम कंपनी के CEO मैक को दे देते हैं जो डायरेक्टली टेरोन की ब्लैक हिस्ट्री को रिलीज कर देती है जहां उसने कुछ साल पहले एक लड़की को हरास किया था। तो कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स का उस पर से भरोसा उठ जाता है जिस बात पर टेरोन काफी ज्यादा दुखी था। वहीं अब तक क्लेयर मॉन्ट्रियल पहुंच चुकी थी जहां उसे डेविड के फ्रेंड सर्कल से डेरेक नाम के बंदे का पता चल जाता है जो कि सेड्रिक की तरह मदर के लिए काम करता था। तो वो मॉन्ट्रियल में न्यू प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर कर लेती है जो लेडी को मदर और उसके बारे में सारी डिटेल्स दे देता है। तो क्लियर इन्वेस्टिगेटर से एक अनट्रेसेबल गन खरीद लेती है ताकि वो डेविड की मौत का बदला ले सके मगर उसे अंदाजा नहीं था कि जैक को उसके बारे में पता चल चुका है कि कोई लेडी मदर के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो वो अपने पार्टनर के थ्रू क्लियर की डिटेल्स निकलवा लेता है जिससे उसे पता चल जाता है कि क्लियर का बेटा डेविड ड्रग ओवरडोज से मारा गया है एंड सरप्राइजिंगली डेविड सेड्रिक का दोस्त था। तो उसे क्लियर हो जाता है कि सेड्रिक के अरेस्ट से डेविड की मौत का कोई कनेक्शन है। तो उसका पार्टनर क्लियर कर देता है कि पिछले कुछ दिनों में डेविड की तरह कई लोग मारे गए हैं जो मदर के लिए पहले ड्रग रनर का काम करते थे। तो जैक को क्लियर हो जाता है कि मदर अपने सभी ड्रग रनर्स को एक एक करके खत्म कर रहा है ताकि उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस न बचे जिस बात पर जैक काफी ज्यादा अपसेट था जो खराब मूड से मदर के बेस चला जाता है जहां पर फेंटनिल पिल्स बनाई जाती थी। तो जैक उसे क्लियर कर देता है
कि अर्मेनियन क्लाइंट डील के राजी हो चुके हैं, जो लगभग 3 मिलियन की पिल्स खरीदना चाहते हैं। मगर डील से पहले वो तुम्हारे गैंग में मौजूद ट्रेटर के बारे में जानना चाहते हैं। तो मदर स्माइल करते हुए जैक से कह देता है कि फिकर मत करो, हमें इन्फॉर्मर के बारे में पता चल चुका है। और ऐसा कहते हुए वो अपने सेकंड इन कमांड गाय को गोली मार देता है, क्योंकि शुरुआत से यही बंदा मदर की इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था। साथ ही उसी ने करप्ट ऑफिसर को मार कर लिस्ट चुराई थी। तो ये सब देख कर जैक काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं क्लेयर मदर के ड्रग रनर डेरेक के पास पहुंच जाती है, जिसे वो गन पॉइंट पर लेकर सारा सच उगलवा लेती है कि सेड्रिक के अरेस्ट के बाद मदर पैरानॉइड हो चुका है, जो अब अपने सभी ड्रग रनर्स को एक एक करके मरवा रहा है ताकि कोई उनके थ्रू मदर तक न पहुंच सके। पॉसिबली डेविड ने भी कभी मदर के लिए ड्रग सप्लाई किया होगा, जिस वजह से मदर ने डेविड को ड्रग ओवरडोज से मरवा दिया है। साथ ही लेडी को पता चल जाता है कि मदर ला मरीन नाम का बार चलाता है, तो वो मदर को मारने के लिए ला मरीन बार चली जाती है। मगर वो बार में एंटर कर पाती उससे पहले ही जैक लेडी को पहचान लेता है। साथ ही उससे क्लियर हो जाता है कि ये लेडी प्रोबेबली मदर को मारना चाहती है, तो वो लेडी को पकड़कर कार में बिठा देता है, ये कहते हुए कि बेहतर होगा तुम घर लौट जाओ। तो ये जानकर लेडी फूट फूट कर रोने लगती है। साथ ही वो जैक की बात मानकर वापस लौट जाती है। वहीं टिरोन को पूरी तरह से बदनाम कर दिया गया था, मगर फिर भी वो एग्रीमेंट पर साइन नहीं करता, जो बात नॉटलाइट को पसंद नहीं आती। तो वो एवरेस्ट यूनिवर्सिटी को प्रेशराइज करने लगते हैं, जो मजबूर होकर टिरोन को जॉब से निकाल देते हैं। साथ ही उससे रिसर्च लैब को भी छीन लिया जाता है, जिस पर टिरोन काफी ज्यादा दुखी था, क्योंकि अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। मगर वो ऐसे ही हार मानना नहीं चाहता, जो कैलरॉन की पूरी रिसर्च स्टडी एफडीए को सेंड कर देता है, जिसे नॉटलाइट को ट्रायल के लिए बुलाया जाता है। मगर एफडीए के सभी हायर अप्स को नॉटलाइट पहले ही खरीद चुकी थी, जो टिरोन की बात सुने बिना ही फैसला ले लेती है कि कैलरॉन से ह्यूमन हेल्थ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। साथ ही वो कैलरॉन की रिसर्च को अप्रूव कर देते हैं, यानी नॉटलाइट बिना किसी टेंशन के अब ड्रग को लॉन्च कर सकती है, जिस बात पर टिरोन काफी ज्यादा दुखी था, क्योंकि वो लोग तो अपना जमीर बेच चुके हैं, जिन्हें ह्यूमन हेल्थ क्राइसिस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो लोग तो बस अपनी जेब भरना चाहते। वहीं जैक ने मदर और अर्मेनियंस को डील के लिए राजी कर लिया था, तो जैक डील के पैसे लेकर एक वेयरहाउस चला जाता है, जहां पर सारा माल रखा हुआ था। साथ ही डीए डिपार्टमेंट के एजेंट्स इस डील पर नजर रख रहे थे, ताकि वो मदर और अर्मेनियंस को एक साथ पकड़ सके। मगर एक डीए एजेंट अनजाने में अपनी लोकेशन रिवील कर देता है, जिससे मदर को इस सेटअप के बारे में पता चल जाता है, जो डायरेक्टली जैक को गोली मार देता है। तो गनशॉट की आवाज सुनकर बाकी डीए एजेंट्स भी अलर्ट हो जाते हैं, जो जल्दी से वेयरहाउस में मौजूद ठग्स पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे यहां पर तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर मदर पैसे लेकर यहां से भाग जाता है। मगर जैक अभी भी जिंदा था, क्योंकि उसने डील के दौरान वेस्ट पहनी हुई थी, पर इस समय जैक का पार्टनर गोली का शिकार हो जाता है, जो जैक के सामने ही अपना दम तोड़ देता है। तो ये देखकर जैक काफी ज्यादा दुखी था, मगर अब तक मदर यहाँ से भाग चुका था। तो वह मदर का पता लगाने के लिए ला मरीन बार चला जाता है, जहाँ के बारटेंडर को कूट काट के उसे पता चल जाता है कि शिपिंग यार्ड पर मदर का एक प्लेन खड़ा हुआ है, जिसे लेकर मदर कंट्री छोड़ने वाला है। तो वो जल्दी से शिपिंग यार्ड चला जाता है, इस बात से बेखबर कि क्लेयर उसे फॉलो कर रही थी, जो जैक को फॉलो करते हुए शिपिंग यार्ड तक पहुंच जाती है, जो लोग फिर मदर को ढूंढने लगते हैं। मगर क्लेयर जैक से पहले मदर को ढूंढ लेती है, जो फिर मदर को गोलियों से भून देती है। मगर इस समय गोली लेडी को भी लग जाती है, पर तभी यहाँ पर जैक आ जाता है, जो मदर के आदमी को खत्म करके लेडी की जान बचा लेता है। साथ ही उसे क्लेयर की सिचुएशन के बारे में भी पता चल चुका था, तो वो लेडी को खतरे में डालना नहीं चाहता था, तो वो मदर और उसके आदमी के पास फेक एविडेंस प्लांट कर देता है, ताकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा प्रूव हो जाए कि पैसों के चक्कर में इन दोनों ने एक दूसरे का खून कर लिया है, जिससे क्लेयर और जैक का नाम साफ हो जाएगा।
वहीं टिरोन ने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट को ब्रेक कर दिया था, जो मीडिया के सामने सारा मैटर रिवील कर देता है, जिससे अब पब्लिक को कैलरॉन के बारे में पता चल चुका है। मगर टिरोन जीत कर भी हार जाता है, क्योंकि वो ऐसा करके भी कैलरॉन के लॉन्च को रुकवा नहीं पाया था। मगर टिरोन की नेक दिली और ईमानदारी कुछ लोगों को पसंद आ जाती है, जिनकी हेल्प से टिरोन को मिचिगन यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी प्रोफेसर की जॉब मिल जाती है, जिसके बाद हमें पता चल जाता है कि हर साल लगभग 1,00,000 लोग ड्रग ओवरडोज से मारे जाते हैं और हर साल ये तादाद बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। साथ ही पिछले 2 साल में जितने लोग ड्रग ओवरडोज से मारे गए उतने तो वियतनाम वॉर में भी नहीं मारे गए थे। यानी ड्रग्स ह्यूमन हेल्थ के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइसिस है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। और इसी के साथ वीडियो एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।